सो हेलो पीपल, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। गाइस, आज आपके लिए मैं कुछ खास बात लेकर आया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ यार टॉप 3 मीम कॉइन्स है ना। और एक कॉइन तो ऐसा है जिसको अपन मीम कॉइन्स, अब मैं नहीं कहता मानता कि वो मीम कॉइन है, जिसका नाम है शिबा इनू। ठीक गाइस, और जो दूसरा टोकन है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टोकन है शिंजा, और जो थर्ड नंबर है मैं उसको देता हूँ बेबी डॉज कॉइन। ठीक गाइस, वो इसलिए देता हूँ कि शिंजा जो है अपनी ब्लॉकचेन लेके आने वाला है, जो कि यहाँ पे 2022 के अंदर ही होने वाला है, क्वार्टर 3 के अंदर। ठीक है गाइस, उनका डोजो स्वैप भी आने वाला है, और क्योंकि शिंजा में मुझे ज्यादा बिलीव रखता हूँ मैं। ठीक है गाइस, और द थिंग इज येट, ये टॉप 3 मीम कॉइंस कह सकते हैं आप गाइस, अगर इनमें अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको यू मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट, आपको 1000 रुपए इन कॉइन्स के अंदर नहीं लग जरूर लगाने चाहिए। आई मीन टू से, अगर 1000 नहीं लगाना चाहते हो, मैं कहता हूँ 500 रुपए लगा लो, आप पछताओगे नहीं। आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा ये प्रॉफिट दे सकते हैं 10,000x तक का। ठीक है गाइस, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले देखो आपका जो शिबा इनू कॉइन है वो बहुत कुछ करने वाला है। शिबा इनू वैसे भी या उसकी जो कम्युनिटी कम्युनिटी है शिबा इनू कॉइन की, वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और गाइस, उनके करीब अराउंड 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, और उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि और दूसरी चीज, उनकी मार्केट कैपिटल भी बिलियंस के अंदर पहुंच चुकी है, और दूसरी चीज उनकी खुद की ब्लॉकचेन आने वाली है शिबा इनू की, इसका नाम है शिबारिया। इनका मेटावर्स लॉन्च होने वाला है शिबर्स, और इनके प्लॉट्स जो है 99,000 प्लॉट्स भी इनके सेल होने वाले हैं। ठीक है गाइस, और बहुत कुछ है इनके गेमिंग गेमिंग के अंदर इनका पार्टनरशिप होने वाली है। मतलब यार, ये टोकन जो है आने वाले टाइम पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट देके जा सकता है 2023 के एंड तक। ठीक है, 2023 के एंड तक ही बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है गाइस, कभी कभी टंग फिसल जाती है तो माफ कर देना यार। ठीक है गाइस, सो द थिंग इज दैट कि जो सेकंड जो कॉइन है इसका नाम है बीबी डॉज कॉइन। ये भी मुझे सही लगता है कॉइन, क्योंकि यार बीबी डॉज कॉइन के जो फॉलोअर्स हैं वो है 1 मिलियन फॉलोअर्स। ठीक है गाइस, तो बेबी डॉज कॉइन में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, मैं खुद बोलूंगा, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मेरे पास करीब $12-13 के बेबी डॉज कॉइन पड़े हुए हैं, जो मैंने उस समय लिए थे करीब 500 या 450 करोड़ के आसपास मेरे पास बेबी डॉज कॉइन अभी पड़े हुए हैं। ठीक है गाइस, उससे ज्यादा मैंने भी परचेज नहीं किए हैं, हालांकि मैंने उनको पटक रखा है परचेज करके, मैं उनको 2 साल तक नहीं छेड़ने वाला हूँ, कुछ नहीं 1.5 साल तक छोड़ दूंगा पटक के। ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे क्रिप्टो से अर्निंग का मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी अर्निंग कहीं और से आती है, रोजी रोटी कहीं और से चलती है, क्रिप्टो से कोई रोजी रोटी नहीं चलती गाइस। ठीक है गाइस, तो वो पटकी हुई है। ठीक है, मार्केट में अपना अपना का इन्वेस्टमेंट करके अपन ने पटक दिया, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, 1.5 साल तक नहीं छेड़ना है। और बेबी डॉज कॉइन क्या है, ये लोग भी क्या है, धीरे धीरे कोई भी कॉइन मेटावर्स को नहीं छोड़ रहा, कि मेटावर्स अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये लोग भी अपना मेटावर्स के अंदर धीरे धीरे कदम रखने वाले हैं और बहुत कुछ नया करने वाले हैं। न्यू न्यू इनकी NFT की वेबसाइट है बेबी डॉज कॉइन, वो भी एक नई वेबसाइट बना के उन्होंने लॉन्च करी है, तो बहुत कुछ ये भी नया नया करने वाले हैं। और बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग हो सकती है बाइनेंस के ऊपर, KU कॉइन, हुबी ग्लोबल पे भी लिस्ट हुआ, तो बड़े बड़े एक्सचेंज पे भी लिस्ट होने वाला है जल्दी, तो ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है बेबी डॉज कॉइन। शिंजा एक बिल्कुल न्यू कॉइन है, इसको हार्डली 3 से 4 महीने मुश्किल से हुए, 3 महीने मान लो गाइस। तो थिंग इज डेट, शिंजा अभी जस्ट अभी मार्केट डाउन है, तो बिटकॉइन डाउन है, मार्केट रशिया यूक्रेन के चक्कर में मार्केट काफी डाउन चला गया, तो अभी डाउन ही पड़ा हुआ है। तो शिंजा में भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो शिबनोबी कॉइन पर आप एंट्री आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये कॉइन भी बहुत अच्छा कॉइन है, क्योंकि इनका खुद का डोजो स्वैप आने वाला है, जो कि पॉलीगॉन माइनेंस स्मार्ट चेन और आपका इथेरियम, तीनों चेन के ऊपर ये काम करेगा इनका डोजो स्वैप। ठीक है, और सेकंड थिंग, इनका खुद का वॉलेट भी आने वाला है, और जो सबसे जो तगड़ी चीज है वो है इनका मेटावर्स में भी कदम रखने वाले हैं इसी साल में, और जो थर्ड और इनका फोर्थ है इनका ब्लॉकचेन है वो भी आने वाली है। तो बता दूं, मेटावर्स सबसे मेटावर्स का जिनका नाम है वो है डोजोवर्स, जो कि क्वार्टर 4 के अंदर आएगा, और जो क्वार्टर 3 के अंदर जो रिलीज होने वाली है वो इनकी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन 2022 के अंदर या दिवाली के टाइम पे हो सकता है इनकी ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाए नवंबर दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो मिस मत करना इस कॉइन को भी, शिंजा इज अ वेरी गुड कॉइन, आपको एटलीस्ट 500 रुपीज टू 1000 रुपीज के अंदर लगाने चाहिए। ठीक है, अगर इतने लगते हैं तो 200-300 रुपए लगा दो शिंजा के अंदर। ठीक है, और भूल जाओ 1-1.5 साल के लिए, आपको वाकई में बहुत अच्छा प्रॉफिट ये देके जाएगा। ठीक है, और तो मैं आपको यही समझाने वाला था कि ये सारे टोकन है ना बहुत अच्छे टोकन है, और शिंजा की एक खास खास बात और, ये AMA बहुत ज्यादा करता है, ये ऐसा टोकन है जो रेगुलर बेस के ऊपर AMA करवाता रहता है। ठीक है गाइस, आप कभी भी इसका AMA ज्वाइन करना चाहते हो, आप ट्विटर पे जाओगे तो इनका AMA चालू रहता है, हर हर मतलब एवरी डे मुझे लगता है इनका AMA होता ही रहता है। ठीक है, AMA का मतलब मैं बता देता हूँ, AMA का मतलब है आस्क मी एनीथिंग, मतलब आप इन्हें जो भी पूछना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, और ये अपडेट्स अभी जैसे भी कोई शिंजा की नई अपडेट्स आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो गाइस, ये थे 3 मीम कॉइन जिसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर नहीं किया तो अभी भी कर लो। बाकी कोई भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट करो, अगर किसी कॉइन में आपको लॉस हो गया तो आप मुझे ब्लेम करोगे, तो गाइस मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है,
आपका पैसा है, आपको जहां लगाना है वहां लगाइए, मेरे कहने पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे लगता है टोकन पर कुछ दम है तो इसलिए मैं बनाता हूँ, बाकी अपनी रिसर्च करके अपना पैसा लगाइए। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।